आज की वीडियो में हम आपको बताने का ट्राई करेंगे कि ट्विन सोल्स की लाइफ कैसे चलती है। दोस्तों, जब भी कोई आत्मा पृथ्वी पर जन्म लेती है तो उसकी सोल आधे भाग में बट जाती है, यह सब लोग जानते ही हैं। और यह है अपना स्पिरिचुअल यानी कि मोक्ष पाने के लिए या फिर बहुत कुछ बड़ा और अर्थ के लिए कुछ परिवर्तन के लिए और प्रेम सिखाने के लिए आते हैं। ये सोल्स कुछ खास किस्म की होती हैं। यह सोल्स अपने साथ साथ अन्य लोगों का भी भला करने अर्थ पर आते हैं। कहते हैं कि ना जाने कितने जन्म से ये साथ होती हैं, मिलते हैं, बिछड़ जाते हैं। जब तक कि इनका कर्म खत्म ना हो तब तक इनको मोक्ष प्राप्त नहीं होता। इनकी मोक्ष प्राप्ति के लिए ही इनके जैसी दूसरी सोल इनके जीवन में प्रवेश करती है। इनको शिव शक्ति का प्रतीक भी कहा गया है। जैसे शिव के बिना शक्ति नहीं और शक्ति के बिना शिव नहीं, वैसे ही ये दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। हम जैसे शिव शक्ति को अर्धनारीश्वर के रूप में देखते हैं, अक्सर इन्हें एनर्जी के स्वरूप में देखा जाता है। इनको भी शिव शक्ति का स्वरूप कहा जाता है। जैसे कि हमारी शरीर का बायां भाग यानी शक्ति यानी स्त्री का होता है और दायां भाग शिव यानी पुरुष का, इन्हीं को हम एनर्जी के स्तर पर जानते हैं और इसी एनर्जी की बात हम कर रहे हैं। परंतु इनके अंदर जो एनर्जी स्थिर नहीं रहती या फिर इनमें जो कमियां और इनकी इच्छाएं होती हैं, ये इन्हीं को पूरा करने के लिए आते हैं। मतलब ये उन्हें जागरूक करने आते हैं, अपना मकसद याद दिलाने आते हैं। जब एक सोल को अगर कोई मोक्ष पाना हो या उसके कर्म पूर्ण करने के लिए अर्थ पर आके वापस वहीं जाना हो जहाँ से वो आए हैं और कर्म खत्म करके कुछ पड़ा या कुछ खास मकसद से ये जन्म लेती है, तब उस दौरान एक सोल दूसरे हिस्से में बढ़ जाती हैं। ये एक तो साथ में जन्म लेती हैं मगर अलग अलग घर जाति में या फिर आगे पीछे जन्म लेती हैं। ये देवदूत की श्रेणी में आते हैं। ज़्यादातर ऐसा कहा गया है, भगवान जब किसी खास मकसद के लिए अर्थ पर संतुलन के लिए या बैलेंस बनाने के लिए बड़ा काम करना होता है तब ये सोल्स जन्म लेती हैं और अपना कार्य पूरा करती हैं। चाहे जो भी हो, कुछ ऐसी सोल्स भी होती हैं जो यहीं अर्थ पर रह जाती हैं। वो इसलिए क्योंकि इनके कर्म खत्म नहीं हुए होते या फिर इनकी कुंडलिनी शक्ति एक्टिव नहीं होती या फिर इनको याद ही नहीं रहता कि किस मकसद से ये धरती पर आए हैं। कहते हैं कि ये दो जिस्म एक जान होते हैं और ये सही भी है। इनको बचपन से ही, हमेशा से ही अंदर एक खालीपन, अधूरापन महसूस होता रहता है और इनका वो खालीपन सिर्फ और सिर्फ इनकी दूसरी सोल ही पूरा कर सकती है, जिसे हम काउंटर पार्ट बोलते हैं। चाहे इनकी ज़िंदगी में कोई कितना भी अच्छा इंसान आ जाए, इनके अंदर का खालीपन और जीवन का मकसद अधूरा ही रहता है। हमारे अंदर कोई पूरी करने की इच्छा या डिज़ायर होगी या हमारा मकसद होगा, ये उन्हें पूरा करने के लिए आती हैं। मतलब कि ये हमारे अंदर की सोई हुई शक्तियों को जगाने आती हैं। और हमें हर दशा से संपन्न करने के लिए आती हैं। कहते हैं दुनिया में सिर्फ 144,000 ही जुड़वा आत्माएं होती हैं, मगर ऐसा नहीं है। हम सबकी जुड़वा सोल होती है, पर अपनी दूसरी जुड़वा या ट्विन सोल से मिलना हमारे कर्म और हमारी इच्छा पर डिपेंड करता है। जब सोल बहुत सारे जन्म लेके थक जाती है और जब उसका मन इस दुनियादारी से उठने लगता है और उसका झुकाव स्पिरिचुअलिटी की तरफ मुड़ने लगता है या फिर अब उसके बुरे कर्म खत्म होने लगते हैं, तब हमारी ट्विन सोल हमारे जीवन में प्रवेश करती है। जब ये दूसरी सोल आपके सामने आएगी तो आप खुद बखुद उसे पहचान जाओगे। ये किसी भी रूप में आपके सामने आ सकती हैं। कभी कोई ऐसा भी रिलेशन होता है कि जो दुनिया की नज़र उसमें गलत है, जैसे कि स्त्री की आत्मा पुरुष में या पुरुष की आत्मा स्त्री में, या तो दोनों शारीरिक रूप से स्त्री होंगे या फिर दोनों ही पुरुष भी हो सकते हैं। ऐसा कोई भी रिश्ता होता है जहाँ मेल्स की सोल फीमेल्स में होती हैं और उसका साथी मेल हो सकता है और उसका ऑपोजिट भी होता है, मतलब विरुद्ध शरीर में विरुद्ध सोल होती है।
ऐसे में इनके रिश्ते को समाज स्वीकृति नहीं देता और ये बेचारे एक तो ज़िंदगी भर अधूरे रहते हैं, ज़िंदगी भर दुख तकलीफ़ों से गुजरती रहती हैं और फिर दोनों पूरे भी होते हैं या फिर दोनों पूरे भी होते हैं, ऐसे में एक तो फिर से इन्हें जन्म लेना पड़ता है और अपने कर्मों को काटना पड़ता है, तब शायद ये मिल पाते हैं। यहाँ बता दूँ कि सोल मतलब एक एनर्जी जो अनंत है, ब्रह्मा है, ब्रह्मांड है, जो उसे शरीर की जरूरत पड़ती है। तो हमारा शरीर मिट्टी, पृथ्वी, आकाश, वायु, अग्नि, जल, जो पांच तत्वों से बनी है, और शरीर को लिंग होता है, आत्मा को नहीं। यहाँ आत्मा को किसी लिंग से वास्ता नहीं है और नहीं उसने कभी भेदभाव किया है। ये तो मनुष्य ने अपने हिसाब से नीति नियम, कायदे, परंपरा और भेदभाव से बना दिए हैं, जिसके चलते सोल ना जाने कितनी बार जन्म लेना पड़ता है। और अपने मोक्ष को पाने के लिए सोल सिर्फ प्रेम, आनंद, सत्य, श्वेत, स्वतंत्रता, शांत, स्वच्छ और निरंकारी या निर्मयी होती है। कभी कभी तो हमारी ट्विन सोल्स ऐसे वक्त पे आती है जब हमारी ज़िंदगी में, जब हम शादीशुदा हों या फिर हमारे बच्चे होते हैं या फिर दोनों की उम्र का काफ़ी फासला होता है, तब भी समाज में ऐसे रिश्ते को स्वीकृति नहीं देता। पर इनका मिलना और एक हो पाना बहुत मुश्किल होता है। इनके जीवन में आए दिन स्ट्रगल आता रहता है, स्ट्रगल का सामना ये करते ही रहते हैं। अपने आप को हर सिचुएशन और अपने आप को बैलेंस में बनाए रखते हैं और अपने अंदर से भी और बाहर जो भी सिचुएशन हो उसमें भी बैलेंस को बनाए रखते हैं। और ज़्यादातर ये सोल्स अलग अलग जाति संप्रदाय में जन्म लेती हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि ये एकता और प्रेम की परिभाषा सिखाने आती है और बड़ी कठिनाई से गुजर कर एक साथ आकर समाज में प्रेम और शांति की स्थापना करते हैं। इसके कुछ उदाहरण हैं जैसे शिव शक्ति, राधा कृष्ण, सिया राम, रोमियो जूलियट, लैला मजनू, हीर राजा, सोनी महिवाल और भी न जाने कितने ऐसी ट्विन सोल्स थे इतिहास में और आज भी ऐसी कई ऐसी जोड़ी हैं जो कुछ सामने आती हैं। कुछ अपना रिश्ता छिपा कर रखते हैं। तो दोस्तों यह थी हमारी आज की जानकारी। आशा करती हूँ कि आपको बहुत ज्ञात हो गया होगा। अगर आपके साथ ऐसे कोई लोग हैं उनकी हेल्प करें, क्योंकि ये देवदूत होते हैं मनुष्य के रूप में और ये बड़े ही उदार स्वभाव के और समझदार होते हैं। इनकी हेल्प करके आप भी अपने जीवन में खुद की मदद कर रहे होते हैं। और वो कहते हैं कि किसी भी जोड़ने में भाग लेना किसी के तोड़ने में नहीं। अगर आप इनकी हेल्प करते हैं तो आपके जीवन में भी आपका प्रेम अवश्य आपको प्राप्त होगा। यह प्रेम बहुत उच्च कोटि का होता है। इनका प्रेम अध्यात्म से जुड़ा हुआ होता है, इसलिए इनका प्रेम आध्यात्मिक होता है। और ऐसा प्रेम पाने के लिए महसूस करने के लिए आपको स्पिरिचुअल होना अनिवार्य है। स्पिरिचुअलिटी के बिना ये संभव नहीं है।